आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से नौकरियों और उद्योगों पर पड़ने वाले असर को लेकर भारत सरकार चिंतित है, लेकिन उसे ये बात राहत दे रही है कि देश में साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से बड़ी संख्या में ग्रेजुएट्स निकलते हैं जिन्हें जल्दी से रिट्रेन किया जा सकता है। साथ ही अभी तक व्हाइट कॉलर जॉब्स की संख्या ज्यादा नहीं है जिन पर एआई टूल्स का सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। ये बात एक सरकारी अफसर ने कही। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी एस कृष्ण ने कहा कि एआई के लिए रिट्रेनिंग और रीस्क्रीनिंग के अलावा सरकार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को उनकी सप्लाई चेन में इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस लगाने में भी मदद कर रही है। ये डिवाइसेस इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में एआई मॉडल्स को चलाने के लिए जरूरी डेटा और जानकारी इकट्ठा करेंगे। कृष्ण साहब ने कहा, मेरे लिए दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। जब आप कंपनियों से बात करते हैं तो बहुत से लोग यही महसूस करते हैं कि नए एआई जॉब्स उनमें से बहुत सारे भारत में ही बनेंगे। इसके दो तीन कारण हैं। पहला, हमारे पास स्ट्रीम ट्रेन ग्रेजुएट्स की बड़ी तादाद जिनमें से बहुत सारों को दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा एआई का एक्सपोजर मिला हुआ है और उन्हें उस क्षेत्र में जल्दी से रिट्रेन किया जा सकता है। कृष्ण साहब ने आगे कहा, दूसरा पहलू यह है कि हमारे पास अभी भी सर्विस सेक्टर में उतने व्हाइट कॉलर जॉब्स नहीं है जितने कि कई अन्य विकसित देशों में है। जिन किस्म के जॉब्स हमारे पास हैं उनकी तुलना में उन देशों में व्हाइट कॉलर जॉब्स को ज्यादा आसानी से बदला जा सकता है। इन दोनों वजहों से मुझे उम्मीद है कि नौकरी छूटने की स्थिति कुछ अन्य अर्थव्यवस्थाओं जितनी बुरी नहीं होगी, लेकिन मुझे लगता है कि रीट्रेनिंग और रीस्किलिंग की बहुत बड़ी जरूरत पड़ेगी ताकि आबादी उस तरह के जॉब्स के लिए तैयार हो सके। आईटी सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन के तहत भारत की एआई टेक्नोलॉजी क्षमता बढ़ाने के लिए जरूरी 10,000 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाने की लागत का 50% तक खर्च उठाने के लिए केंद्र सरकार तैयार है। इस प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग सरकार वियबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम या बाउचर बेस्ट स्कीम के जरिए कर सकती है। इसके अलावा 4 जून को चुनाव खत्म होने के बाद मंत्रालय डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के एआई इनोवेशन और रेगुलेशन से जुड़े महत्वपूर्ण हिस्सों को लागू करेगा। छोटे मध्यम व्यवसायियों और एग्जीक्यूटिव से बात करते हुए कृष्ण साहब ने कहा कि सरकार ये चाहती है कि मौजूदा उद्योगों को आईओटी डिवाइसेस और सेंसर्स लगाने की जरूरत पड़े। ये डेटा इकट्ठा करेंगे जो एआई मॉडल्स को इंडस्ट्री सिनारियों में लागू करने के लिए जरूरी होगा। उन्होंने आगे कहा, ये वही प्रयास है जो हमें करना होगा ताकि हम इन टेक्नोलॉजीज को अलग अलग उद्योगों पर लागू कर सके, और ये वह प्रयास है जिसमें निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय और भारत सरकार के अन्य मंत्रालय खुशी खुशी सपोर्ट करेंगे।